I have been playing guitar for more than 15 years. 15 years? ये बंदा तो प्रो है यार. Hey guys, welcome back once again to my video series. We are in central Hendon, Hendon Central, right in the middle of London. It's an amazing feeling here. I just came here a week ago, trying to get a feel of all the places here. जैसे कि मैंने last video में बोला, we are put up at a hostel here called the London Backpackers Hostel. यहाँ पे हमने निकाले कुछ 6-7 दिन and we tried to find accommodation options nearby. And luckily, after a lot of effort, after viewing a couple of homes, we finally managed to find a decent place. और मैंने advance भी दे दिया है. अभी होपफुली वो कल डिसीजन चेंज नहीं करेगी और कल हम मूव होंगे. वील चेक आउट फ्रॉम द हॉस्टल एंड टेक ऑल आर बिलोंगिंग्स एंड गो टू हैटफील्ड. हैटफील्ड इज वेयर माई ऑफिस इज. या मैंने बताया नहीं आपको, आई एम हियर नॉट एज अ टूरिस्ट, गॉट अ न्यू जॉब. वूहू, वो एक अलग स्टोरी रहेगा, वो एक अलग वीडियो रहेगा जिसमें मैं बताऊंगा एग्जैक्टली हाउ आई मैनेज टू फाइंड दिस जॉब, गेट दिस जॉब. लेकिन फॉर नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट माई एक्साइटमेंट, हाउ इट फील्स द वेरी फर्स्ट वीक इन लंडन. कैसा है फीलिंग्स? Yeah, I can see that. Very sweaty, lot of tan. क्या बोलूँ यार, यहाँ पे आने से खाली एक हफ्ता पहला मैं गोवा में घूम रहा था. काफी मजे किए, काफी अमेजिंग फ्रेंडशिप्स बनाए, बहुत अमेजिंग लोगों से मिले यार. लॉट ऑफ पीपल इन माई फैमिली वर लाइक, अरे क्यों जा रहे हो यार, एक हफ्ते में तुम लंडन जा रहे हो, क्यों जा रहे हो अभी गोवा? बट आई वॉज लाइक, मैं बता नहीं सकता हूँ, लाइक ऑल द टाइम्स, लाइक एवरी टाइम आई गो फॉर अ राइड, देयर इज दिस फीलिंग दैट कम्स इन माई हार्ट यार, अभी जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए. और रुका ही नहीं जाता, राइट? फिर क्या हुआ, मैंने जस्ट फॉलो किया वॉइस को, मैंने निकाला बाइक एंड यू वुडंट बिलीव, मैं मिडिल ऑफ द डे 12:30 बजे मैं मोटरसाइकिल निकाल के लगेज वगैरह लोड करके निकला गोवा के लिए. एंड दैट टू आई टुक द NH66, द ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे. क्या अमेजिंग एडवेंचर था यार. आई मीन आई नॉर्मली टेक द NH48, बट ये टाइम सोचा कि कुछ अलग करते, कि गोवा में आई हैव रिडन टू लाइक 7 times बिफोर, तो सोचा कि ये बार थोड़ा हटके कुछ करता है यार. और NH66 आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट पूरा 4 lanes होगा, बट 4 lanes नहीं था वो. अगर मैं गोवा का ब्लॉग बनाऊंगा इन द नियर फ्यूचर तो आपको समझ में आएगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी क्विक ओवरव्यू. तो गोवा में काफी सारा मजा किया, बहुत अमेजिंग फ्रेंडशिप्स हुए, काफी कुछ किया, काफी पब्स में गए, बीचेस में गए. गोवा का टैन भी नहीं निकला था मेरे चेहरे से. एंड बिफोर दैट हियर आई एम इन लंडन. I can't believe it, yaar. So right now, we are at Hendon Park. It's a very beautiful park located just 200 meters from the hostel. देखो यार पार्क, देखो यार कितना बड़ा पार्क है ये. So imagine, इंडिया में अगर ऐसा पार्क चाहिए, ओपन जगह चाहिए, कहाँ जाओगे आप? कहाँ भी नहीं जा पाओगे. इतना बड़ा ओपन ग्राउंड मिलते ही वहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स आएंगे और बड़ा बड़ा स्काई स्क्रेपर्स खड़ा कर देंगे और फिर पूरा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन जाता है. आई मीन मानना पड़ेगा इनका काउंसिल को, इनका जो मेयर वगैरह है. आई मीन वी हैव डिसाइडेड दैट हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वी बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. खाली रिच नहीं रहना है, खाली मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स नहीं रहना चाहिए, वी ऑल्सो बिलीव इन क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो वी नीड ओपन स्पेसेस फॉर आर चिल्ड्रेन, फॉर आर एल्डर्स, फॉर अस टू वॉक इन, टू एंजॉय लाइफ. दैट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस यार, ये सब उसका रिजल्ट है. अमेजिंग. तो लगता है केंगो इज अबाउट टू लीव गिटार प्रैक्टिस के बाद. हे मैन, नहीं वहाँ तक आवाज़ नहीं जाएगा, ये काफ़ी लंबा है. या आई अंडरस्टैंड दिस इज ट्रू व्लॉगिंग, राइट? मतलब जो मन में आ गया बोल दिया, विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी प्लान. सही है, ये भी अच्छा है. मुझे लगता है एक दो वीडियोज़ के बाद मुझे भी आदत हो जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बात करने के लिए. खाली थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ा शाइनेस भी होता है, बट मुझे लगता है कि एक दो बार करने से प्रैक्टिस हो जाएगा. मस्त सनसेट हो रहा है वहाँ पे, माई लास्ट सनसेट इन सेंट्रल हेंडन, हेंडन सेंट्रल. नाइस, चलो बात करके देखते हैं क्या बोलता है किंगो. ये बंदा है फ्रॉम जापान, ये बंदा ट्रैवल कर रहा है. जस्ट इमेजिन पीपल जस्ट लीविंग देयर होम एंड कमिंग टू सच डिस्टेंट कंट्रीज फॉर ट्रैवलिंग. हे मैन किंगो, हाउ आर यू डूइंग मैन? या गोना गिव अ मैसेज. अच्छा, यू प्रैक्टिस गिटार? नाइस मैन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर? I have been playing guitar for more than 15 years. 15 years? You must be a pro, man. Can you play a music for us? Okay. Yeah, only if you are free. Yeah? Only if you are free right now. Yeah, yeah. You're free now. Not certain. Just go back and it's getting cold and go back. No worries. So guys, Kengo is going to be playing a music for us. He's been playing the guitar for 15 years. Just imagine.
I have been trying to learn an instrument for so long, and here we have a guy who have been doing it for 15 years. This is the amazing part of traveling, man. So, the stage is all yours. So, ladies and gentlemen, Kengo from Japan. Where exactly in Japan? My city. Yeah. I'm from Kyoto. 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 Kyoto, Japan. Ah, it's getting colder. Yeah. Naag bhi pakda hua hai, but we don't mind. We'll have an amazing guitar music by Kengo. Or recording. I'm recording it, yeah. You're live. So before you start, do you wanna tell our people what music you're gonna play? Okay, let me see. Just a moment, please. It's okay, take your time. तो वो सेटअप कर रहा है, वो भी उसका उसका चेहरा खिल गया, मतलब वो अकेला बैठ के प्ले कर रहा था. तो हम आगे, सो नाउ ही हैज़ एन ऑडियंस. उसे पसंद है यार, मतलब जो चीज़ लोगों को पसंद है ना, वो कितना भी देर कर सकता है. जैसे कि ये बंदा अभी जाने वाला था सब पैक करके, जैसे कि मैंने बोला उसको, रिक्वेस्ट किया, यू वर लाइक मोर देन विलिंग, प्ले इट. मेरा इंग्लिश भी इतना कुछ खास नहीं है अभी, आई कैन सी दैट कि काफ़ी ज़रा वर्ड्स आई एम ईटिंग अप, बट ये भी प्रैक्टिस होने वाला है. दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस आई एम हियर. To work on my communication skills, to work on my confidence. We have some kids there enjoying life, enjoying their childhood. You're tuning it, huh? You're tuning it. ये बंदा तो प्रो है यार. Nice, man. Thank you. Done. Super, super, super. Very nice. Thank you. What are you? It's a vlog. Oh, okay. Yeah, I'm vlogging. I'll upload these videos to YouTube and you're gonna be famous if people see it. It's fun, right? Yeah. How long have you been? I just got this like last week. It's my first video on this thing. And what did you film? Today. Today I just walked around the park. I'm trying to show my people the experiences of first week. It's my first week in London, so I'm trying to show my people how it feels. I'm feeling very restless, I'm feeling very anxious, all the emotions, all the feelings, I'm trying to cover it all. Yeah. Okay. None of this is planned, none of this is organized, no script, nothing. Hey guys, I'm back with Kengo now. Kengo here is moving back to Japan. So he has come by to meet. So we'll spend some time, we'll catch up, we'll have some conversations. So look at a crazy jugaad by Kengo. Finally time to say goodbye to Kengo. It was nice to meet you, man. You too.